संवेदनशील विषय है सर। एक दुल्हन के कमरे में पुलिस कर्मी चले जाते हैं बिना महिला पुलिस के रहते हुए, सर जिनको कानून का संरक्षण करना है अगर वही उसकी अवहेलना करने लग जाए तो आम जनता कहाँ जाएगी। घर में 35 राज्यों में जो महिला हेल्पलाइन चलती है उसमें पुलिस कर्मियों ने लगभग 55 लाख महिलाओं का संरक्षण करा। नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीवी भारत में और मैं हूँ आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जिस तरीके से दुल्हन के कमरे में पुलिस घुस गई थी बिना महिला पुलिसकर्मी के शराबबंदी के नाम पर, तब से इस पर बहुत बवाल हुआ था और अब इस मुद्दे पर, इस मुद्दे को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने लोकसभा में उठाया है और इस पूरे मामले को बताते हुए केंद्र सरकार को कहा है कि इस पर कुछ किया जाए ताकि आगे इन फ्यूचर ऐसा कुछ ना हो। और साथ साथ इस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी जवाब दिया है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को, क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। सर, जैसा कि दिए गए उत्तर में स्पष्ट है कि पिछले एक वर्ष में महिलाओं के अपराध के मामले में कमी आई है और माननीय मंत्री महोदया खुद हमेशा महिला अधिकारों की सशक्त पैरोकार रही हैं, पर सर कमी वाले आंकड़े भी अपने में ये गवाही देते हैं कि अभी भी राज्य के स्तर पर नीति और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कई कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि संविधान की 7वीं सूची सर कानून और पुलिस को राज्य अधिकार क्षेत्र में देती है, लेकिन अगर सर किसी राज्य का प्रशासन तंत्र के द्वारा ही कानून की अवहेलना हो तो जनप्रतिनिधि के तौर पर चुप नहीं रहा जा सकता। सर, मैं इस सदन का ध्यान मेरे गृह राज्य बिहार की राजधानी पटना में घटी एक घटना की तरफ लेकर जाना चाहता हूं, जहां शराबबंदी कानून के तहत विवाह समारोह में शराब की बोतल खोजने के नाम पर पुलिसकर्मी दुल्हन के कमरे में चले गए और वहाँ, जबकि उस वक्त सर ये कहना जरूरी है कि उस वक्त पुलिसकर्मी के साथ कोई महिला पुलिस, सर एक मिनट सर, संवेदनशील विषय है सर। एक दुल्हन के कमरे में पुलिसकर्मी चले जाते हैं बिना महिला पुलिस के रहते हुए, इसीलिए सर मैं बस इतना चाहूंगा कि क्या केंद्र सरकार कोई ऐसी एडवाइजरी या यहां से कोई ऐसा निर्देश दे सकती है कि भविष्य में कम से कम ऐसी घटना ना घटे कि पुलिस के कमरे में बिना महिला पुलिसकर्मी के कोई पुलिस। सर, जिनको कानून का संरक्षण करना है अगर वही उसकी अवहेलना करने लग जाए तो आम जनता कहाँ जाएगी। कानून से जो अपेक्षा माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय अपेक्षा कर रहे हैं वो ऑलरेडी कानून में इंगित है। BPRND के माध्यम से सेंसिटाइजेशन महिला और महिला पीड़िता के संदर्भ में ऐसा प्रावधान हम निर्भया फंड के अंतर्गत कर चुके हैं, लेकिन जब पुलिस पर आक्षेप लगता है तो ये भी सदन में कहना उचित होगा कि देश भर में 35 राज्यों में जो महिला हेल्पलाइन चलती है उसमें पुलिस कर्मियों ने लगभग 55 लाख महिलाओं का संरक्षण करा, उनकी सहायता की। देश भर में 700 से ज़्यादा वन स्टॉप सेंटर्स चलते हैं जिसमें 4.5 लाख महिलाओं का संरक्षण, उनकी सेवा और उनको न्याय दिलवाने का काम देश के पुलिस कर्मियों ने किया। हाँ, निश्चित रूप से सेंसिटाइजेशन के काम को आगे बढ़ाना है जिसके लिए हम सतत प्रयासरत हैं। तो सुना आपने कि किस तरीके से चिराग पासवान ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया और साथ साथ केंद्र सरकार से गुहार भी लगाई कि इसका कुछ सॉल्यूशन निकले, इस पर कुछ किया जाए जिससे फ्यूचर में कभी भी ऐसा कुछ देखने को ना मिला। और जो केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी, इस पर उन्होंने जवाब देते हुए ये भी कह दिया है कि इस पर सॉल्यूशन पहले से, एक तरीके से उनका कहने का मतलब यही था कि इस पर सॉल्यूशन पहले से, हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सचमुच केंद्र इस पर कुछ कार्रवाई करता है या नहीं। आप देख रहे थे DTV भारत, धन्यवाद।